और कवर्धा से बड़ी खबर मिल रही है, जहां धान खरीदी केंद्र में धान की चोरी हुई है। सोसाइटी प्रभारी की मौजूदगी में धान चोरी हुई है। धान की चोरी करते वीडियो वायरल हुआ है। सोसाइटी बंद होने के बाद रात में चोरी कर रहे कैमरे में कैद हुई तस्वीरें। पंडरिया विकासखंड के ग्राम कुआ मालगी सोसाइटी का पूरा मामला है। कवर्धा से बड़ी खबर, धान खरीदी केंद्र में धान की चोरी हुई है। सोसाइटी प्रभारी की मौजूदगी में धान चोरी हुई है। आपको बता दें, इसका वीडियो भी वायरल हो रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता संजू गुप्ता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संजू, आरोपियों की गिरफ्तारी हो पाई? जी, ये मैं बता दूं कि ये बीती रात कल का मामला है। पंडरिया विकासखंड के कुआ मालगी धान खरीदी केंद्र का मामला है, जहां पर वहां के धान प्रभारी के द्वारा अपने कर्मचारियों के साथ मिलकर जो किसानों के द्वारा धान खरीदी की गई थी, उसमें धान की मात्रा अधिक होने के कारण उस धान को कम किया जा रहा था, जिसका वो वीडियो जो है सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। इस खबर की अभी संज्ञान अधिकारियों द्वारा नहीं ली गई है। अब आगे इस पर क्या कार्रवाई होती है, इस पर अब अधिकारी ही कुछ बता पाएंगे। मैं आपको बता दूं कि किसानों के द्वारा 1 नवंबर से प्रदेश में पूरे प्रदेश भर में किसानों से धान खरीदी की गई है, जिसमें किसानों से लगभग जो शासन की नीति है कि 40 किलो धान खरीदी करनी है, लेकिन धान खरीदी केंद्रों में अक्सर किसानों से अधिक मात्रा में धान खरीदी की जाती है। जो अधिक मात्रा में धान खरीदी होती है, उसी को केंद्र प्रभारियों के द्वारा कम कर उसको चोरी किया जा रहा है और निकाला जा रहा है, जिसका वीडियो वायरल हुआ है। इसमें आप साफ देख सकते हैं कि जो धान खरीदी केंद्र के प्रभारी हैं, उनमें मौजूद भी हैं, और जो हमाल है उसमें कटोरे के द्वारा धान को निकालकर दूसरे बोरी पे लिया जा रहा है। इस मामले का जब वीडियो वायरल हुआ तो इसमें इस बात की भी जानकारी मिली है कि जिसने वीडियो वहाँ पे जो पूर्व केंद्र प्रभारी थे, वहाँ के हमालों के द्वारा मारपीट की गई है। और लेकिन अब देखना होगा, साफ साफ चेहरे भी नजर आ रहे हैं, लेकिन अब देखना होगा कि क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और इसी के साथ छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।